रेलवे अस्पताल से लाखों रुपए कीमत के इंजेक्शनों की चोरी के मामले में आरपीएफ ने बड़ा खुलासा करते हुए 3 मेडिकल स्टोर संचालकों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में अस्पताल से इंजेक्शन चोरी करने वाला मुख्य आरोपी भी शामिल है, जिसने कई बार अस्पताल से इंजेक्शनों की चोरी की और उसे अलग अलग मेडिकल स्टोर में बेच दिया। आरपीएफ ने आरोपियों से 1,61,000 रुपए के इंजेक्शन बरामद किए हैं। रेलवे अस्पताल से लाखों रुपए कीमत के इंजेक्शनों की चोरी किए जाने के मामले में आरपीएफ की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। अस्पताल में इंजेक्शनों की सप्लाई करने वाले फार्मा कंपनी के कर्मचारी आधारताल सुहागी निवासी राजाराम केवट के साथ ही चोरी किए हुए इंजेक्शनों को खरीदने वाले 3 मेडिकल स्टोर संचालकों नीरज राय, मोइन कुरैशी और मनोज यादव को गिरफ्तार कर उनसे 1,61,000 रुपए कीमती इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी मोहम्मद इरफान मंसूरी ने बताया कि मामले में राजाराम केवट को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। राजाराम केवट अनमोल फार्मा का कर्मचारी है और अस्पताल में इंजेक्शन सप्लाई करता था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अलग अलग दिनों में कई बार उसने अस्पताल से इंजेक्शनों की चोरी की थी और राय मेडिकल, हसन मेडिकल और विनायक मेडिकल स्टोर्स में इंजेक्शन बेचे थे। इस आधार पर कार्रवाई कर इंजेक्शन बरामदगी का कार्य किया गया। 11 तारीख को वहाँ चोरी करने वाले राजाराम केवट निवासी सुहागी को पकड़ा और जब उसका बयान लिया गया तो उसने जो है कई 4-5 बार में वहाँ रेलवे जुलाई महीने में 4-5 बार में चोरी की थी और जबलपुर के विभिन्न मेडिकल स्टोरों पर उस दवाओं को उसने बेच दिया था। इस सिलसिले में 5 मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया है। अभी तक 1,60,000 के इंजेक्शन बरामद हो चुके हैं। राजाराम केवट को जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बेसिकली अनमोल फार्मा करके दवा बाज़ार में दुकान है, उस दुकान पे ये रेलवे में जो भी इसका ऑर्डर दिया जाता था स्टोर के थ्रू जो दवाइयों का इंडेन लगता था उसको सप्लाई करता था। नहीं, ये इसने 4-5 बार में ये जब वहाँ दवाई लेके जाता था तो उसका रेलवे का स्टोर रूम थोड़ा सा आइसोलेटेड टाइप का है तो ये इसको दवाओं की अच्छी जानकारी थी तो ये वहाँ से उन दवाओं को ये सप्लाई तो कर देता था और जब ये अपने खाली बैग लाता था तो उसमें धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ लेके आता था। कितनी कीमत रही ये अभी तक जो सामने आया है 5,70,000। आरपीएफ की टीम चोरी किए हुए और भी इंजेक्शनों की बरामदगी का कार्य कर रही है।